सॉरी आई एम लेट इन द पार्टी बट डिफरेंटली आई एम इन द पार्टी एंड दैट इज कब्जा। जो है उसको कब्जा 17 मार्च 2023 को फिल्म आने वाली है। इसका पहला गाना कब्जा टाइटल रिलीज हो चुका है अलग अलग वर्जन में, अलग अलग लैंग्वेज में, और कन्नड़ा में भी और हिंदी में। मैंने ये गाना देखा और मुझे बहुत पसंद आया है, और क्यों पसंद आया वो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से इस गाने को देखो तो 4 मिनट 11 सेकंड का गाना है। शब्बीर अहमद ने इसका हिंदी का लिरिक्स लिखा है, काफी अच्छा लिखा है। रवि बसूर का म्यूजिक है, तो सीधी सी बात है इसके अलावा बात करने की जरूरत ही नहीं बचती है, क्योंकि रवि बसूर बहुत ही तगड़ा म्यूजिक देते हैं। और स्निग्धजीत भौमिक और श्रुतिका समुद्रला जी ने गाया है इस गाने को। विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, कोरस में बहुत सारे और लोगों ने इस सॉन्ग में कोरस गाया, जिससे गाना और भी ज्यादा एकदम भड़कीला हो जाता है, कमाल का हो जाता है, रौबदार हो जाता है। ये गाना बिल्कुल केजीएफ चैप्टर 2 का जो तूफान सॉन्ग था उसकी वाइब देता है, लेकिन ये गाना अलग है क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर सेम है, थोड़ा फील भी गाने का सेम है, थोड़ा टोन भी सेम है। काफ़ी चीज़ें सिमिलर होने के बावजूद दोनों ही फिल्में अपने आप में बहुत अलग है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि टीजर अगर आप देखे हैं तो आप उस चीज़ से वाकिफ होंगे। बहरहाल कंपैरिजन नहीं करूंगा यहाँ पे, रीज़न ये है क्योंकि हमारे निम्मा उपेंद्र सर जो रियल सुपरस्टार है इंडिया के, उनकी तारीफ यहाँ पे ज़्यादा करूँगा क्योंकि वो बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर है पहले से ही। सो सीरियसली ए सैल्यूट फॉर निम्मा उपेंद्र सर दैट ही इज ब्रिंगिंग द मैडनेस अगेन विद दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय आर चंद्रू। एंड इसका क्रेज मुझे बिल्कुल नहीं पता कैसा है क्या है, लेकिन मेरे दिल में एक चीज जरूर है कि केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 जैसे ये भी कन्नड़ सिनेमा की आन बान शान बने और अक्रॉस इंडिया और इंडिया के बाहर भी अपना नाम करे। दिस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस फिल्म। ह्यूज होप सिंस द टीजर ऑफ दिस फिल्म, तब से ही मैं इस फिल्म को लेकर पगला, टीजर देखने के बाद इस फिल्म के लिए परेशान हूँ, पागल हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखूँ। ये मैं जोश में ही बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है ये जोश भरने वाली फिल्म है, और गाना काफ़ी ज़्यादा रौबदार है, काफ़ी ज़्यादा आपको इस गाने को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज़बम्स आ जाएंगे। फील अच्छा है गाने का, गाने में मेहनत बहुत दिख रही है और विजुअली काफ़ी अच्छा है, और इसका जो गाने में जो मुखड़े हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मीनिंगफुल है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दीजिए, नॉर्मली साउथ इंडियन फिल्में जो होती है तो उनके जो हिंदी गाने होते हैं वो कुछ भी आड़ा टेढ़ा रहता है, लिरिक्स पता नहीं कोई बच्चा ही लिखता है क्या लिखता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से लिरिक्स लिखे गए शब्बीर अहमद द्वारा, और अच्छी तरह से गाने को फिल्माया गया है, और गाना वाकई में हमारे निम्मा उपेंद्र सर को बहुत बढ़िया तरह से प्रेजेंट करता है। सो आई रियली लाइक द सॉन्ग, एंड मैं रेटिंग वगैरह तो फिलहाल नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इट इज़ टू अर्ली टू गिव अ रेटिंग ऑन एनीथिंग, बट स्टिल आई एन्जॉय द सॉन्ग, आई लाइक द लिरिक्स, एंड ओवरऑल मैं इस सॉन्ग को कुछ नहीं, तो अगर आप लोग फिर भी अगर इंसिस्ट करोगे तो मैं इसे 4 स्टार जोर दूंगा। आई लाइक द सॉन्ग, आई लाइक द ओरिजिनलिटी ऑफ द सॉन्ग, एंड आई एन्जॉयड इट, एंड आई एम होपिंग फॉर द सेकेंड सॉन्ग, एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द ट्रेलर ऑफ कब्जा वेरी सून। एंड मैं चाहता तो वैसे ट्रेलर ही था, लेकिन गाना रिलीज करे चलो कोई बात नहीं। कब्जा टाइटल ट्रैक इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू वॉच, एंड आई रियली एन्जॉयड इट। चलिए फिलहाल कितना ही, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।